हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पर्सनली मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मेरे दिल के बहुत करीब है। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी का सबसे बुरा पल कौन सा था। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है क्रिस की। क्रिस एक मेडिकल स्कैनर मशीन बनाने की कंपनी में काम करता था। हर एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह उसके भी सपने थे कि वो बहुत सारे पैसे कमाए, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए और अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल अच्छी करे। इसलिए उसने अपनी फैमिली की पूरी लाइफ टाइम की सेविंग से बहुत सारे स्कैनर मशीन खरीद लिए और उसने ये सोचा कि इनको बेच के वो बहुत सारे पैसे कमाएगा और अपनी फैमिली के सपने पूरे कर पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स उस महंगी स्कैनर मशीन से ज्यादा नॉर्मल एक्सरे मशीन को प्रेफर करते थे। क्रिस खुद ही डॉक्टर्स के पास जा जाकर वो मशीन बेचने की कोशिश करता था, लेकिन वो मशीन बेचना बहुत मुश्किल था। अब धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लग गए और ऐसी नौबत आ गई कि अगर वो दो मशीन नहीं बेचता महीने भर में तो अपने फैमिली की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाता। घर चलाने के लिए क्रिस की वाइफ को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा था, लेकिन पैसे फिर भी पूरे नहीं पड़ रहे थे क्योंकि क्रिस ने 2-3 महीनों से एक भी स्कैनर मशीन नहीं बेचा था। बहुत कर्जे हो गए थे और घर का रेंट भी 3 महीनों से ड्यू था। क्रिस को अब समझ में आ गया था कि स्कैनर मशीन बेच के वो कुछ नहीं कर सकता। एक दिन जब वो रोड पे जा रहा था तो उसने एक आदमी को फरारी से उतरते हुए देखा। वो आदमी काफी खुश लग रहा था। अब क्रिस से रहा नहीं गया, वो उस आदमी के पास गया और उसने उससे पूछा कि सर आप क्या करते हैं। उस आदमी ने बोला, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ और सामने वाली बिल्डिंग में काम करता हूँ। फिर क्रिस ने सामने वाली बिल्डिंग में देखा, वहां से काफी लोग बाहर आ रहे थे और सब लोग बहुत खुश लग रहे थे। तभी उसी वक्त ने सोचा कि मैं भी इनकी तरह खुश रहना चाहता हूँ और उसी वक्त उसने यह फैसला कर लिया कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर बनूंगा ताकि मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकूं। और सेम डे जा करके उसने स्टॉक ब्रोकर की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। एक दिन क्रिस जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीबी अपना और उसके बच्चे का सामान पैक कर रही है। क्रिस ने अपनी बीबी से कहा, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन वो नहीं मानी। रोज की प्रॉब्लम्स और डबल शिफ्ट करके वो बहुत परेशान हो चुकी थी और वो समझ गई थी कि अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है क्रिस के साथ। क्रिस के बहुत कहने पे भी जब वो नहीं रुकी तो उसने रोते रोते बोला, कम से कम मेरे बेटे को मत लेके जाओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। ये सुन के उसकी बीबी भी रोने लगी और बोली, ठीक है तुम हमारे बेटे को रख सकते हो, मैं जानती हूँ तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। और ये कह के उसकी बीबी वहाँ से चली गई। जिस दिन उसका स्टॉक ब्रोकर की जॉब के लिए इंटरव्यू था उससे एक दिन पहले वो अपने घर में पेंट कर रहा था। उसके पूरे कपड़े पेंट से सने हुए थे। तभी वहाँ पुलिस आ गई और क्रिस को उसी हालत में पुलिस स्टेशन ले गई क्योंकि उसने एक पार्किंग की फाइन का चालान नहीं भरा था। वो पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहा। अगली सुबह किसी तरीके से वहाँ से छूट के उसी हालत में भागता भागता स्टॉक ब्रोकिंग के ऑफिस इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। सब उसको देख के बहुत हैरान थे क्योंकि किसी ने भी उस ऑफिस में इस तरह किसी को आते नहीं देखा था। क्रिस अपने इंटरव्यू का वेट कर रहा था। अब उसका नंबर आया। क्रिस अंदर गया। क्रिस ने बोला, मैं आधे घंटे से बाहर बैठ के यही सोच रहा था कि मैं क्या स्टोरी बनाऊंगा आपके सामने कि मेरी ऐसी हालत क्यों है। लेकिन यकीन मानिए कि मेरे पास कोई भी स्टोरी नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मुझे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मैंने एक पार्किंग की फाइन का चालान नहीं भरा था। क्रिस लगभग इंटरव्यू में फेल हो चुका था। लेकिन बाहर जाने से पहले उसने इंटरव्यूअर्स से पूछा कि क्या मैं आप लोगों को एक बात कह सकता हूँ। इंटरव्यूअर्स ने बोला, हाँ जी कहिए। उसने कहा कि अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे, अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं उसको सच ही जवाब दूंगा कि ये मुझे नहीं आता है, लेकिन उस सवाल का जवाब मैं किसी तरीके से भी ढूंढ के आपके लिए ले आऊंगा, क्या ये काफी नहीं है इस जॉब के लिए। उसके बाद वो बाहर आ गया, लेकिन जॉब में पास होने के बाद। इस इंटरव्यू में तो पास हो गया था, लेकिन उस जॉब की दो कंडीशंस थी। पहले 6 महीने तक उसको एज ए इंटर्न काम करना पड़ेगा और शुरू के 2 महीने उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। क्रिस ने ऐसा नहीं सोचा था, उसके लिए बहुत टफ था क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे। इसलिए क्रिस बिना जॉब एक्सेप्ट किए वहां से चला गया। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास गया जिसकी उसने अपने अच्छे समय में पैसे दे के मदद की थी और उसने उसे जाके बोला कि प्लीज मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे इसकी भी बहुत जरूरत है। लेकिन उसके दोस्त ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसके मुंह पे गेट बंद कर दिया और उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं दिया। क्रिस को निराश होकर अपने घर लौटना पड़ा। अब क्रिस के पास उस जॉब को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो क्रिस ने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली। एक दिन क्रिस जब अपने बच्चे को स्कूल से लेकर के घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसके मकान मालिक ने उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया है। क्रिस ने जाकर अपने मकान मालिक के बहुत हाथ पैर जोड़े, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मेरे साथ बच्चा है, रात का समय है, मैं कहां जाऊंगा, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। लेकिन उसके मकान मालिक ने उसकी एक नहीं सुनी और घर को लॉक करके चला गया। क्रिस फिर अपने उसी दोस्त के पास गया। उसने बोला, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, प्लीज मेरे पैसे वापस दे दो, मेरे साथ मेरा बच्चा है, कहां जाऊंगा इस वक्त। लेकिन उसके दोस्त ने इस बार भी कुछ नहीं सुना। किसने गुस्से में आके उसका गेट खटखटाया तो उसने बोला, कौन से पैसे, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है और तुम अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। फिर क्रिश को वहाँ से जाना पड़ा। बहुत रात हो गई थी लेकिन क्रिश और उसके बेटे को कोई जगह नहीं मिली थी। उसके बेटे ने उससे पूछा, पापा हम कहाँ जाएंगे, इसने कोई जवाब नहीं दिया। अब क्रिश को हार मानकर एक पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ा ताकि वो वहाँ रात भर रह सके, कोई उन्हें वहाँ से भगा ना दे। इसीलिए क्रिश ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। आते जाते लोगों ने दरवाजे को कई बार खटखटाया लेकिन क्रिश ने अपनी दोनों टांगे गेट पे अटका दी, अपने बेटे को सीने से लगाए और आंखों में
आंसू लिए रात भर जागता रहा। शायद ये क्रिस की जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। अगले दिन वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ के काम पे गया और उसने अपना काम शुरू किया। ये 2 महीने उसके लिए बहुत टफ थे। दिन भर तो वो कॉल करके क्लाइंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता और शाम में भिखारियों से लड़कर शेल्टर की लाइन में लग के शेल्टर में रहता या चर्च की टॉयलेट्स में। क्रिस बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन 2 महीने में उसे एक भी क्लाइंट नहीं मिला। क्रिस के पास एक आखिरी स्कैनर मशीन बचा था जिसको बेच के वो अपना खर्चा चला सकता था। उसके पास उसका ऑर्डर आ गया लेकिन वो मशीन भी खराब निकली। उस मशीन को ठीक करने के लिए क्रिस को पैसों की जरूरत थी लेकिन उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। जब क्रिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसे अपना खून बेचना पड़ा। खून बेचकर जो उसको पैसे मिले उससे उसने मशीन के पार्ट खरीदे, उस मशीन को ठीक किया और उसके बाद उस मशीन को बेच के कुछ पैसे कमाए जिससे उसने अपना खर्चा चलाया। जहां बाकी लोग 7 बजे तक काम करते थे, क्रिस सिर्फ 5 बजे तक ही काम कर पाता था क्योंकि आखिरकार उसका बेटा कब तक स्कूल में रहता और उसके बाद उसको शेल्टर की लाइन में भी तो लगना था। क्रिस काम करते हुए पूरे दिन पानी नहीं पीता था ताकि उसको टॉयलेट न जाना पड़े और उसका टाइम वेस्ट न हो। क्रिस अपने फोन को नीचे नहीं रखता था और कॉन्टिन्यूस नंबर डायल करता रहता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉल कर सके। क्रिस को मिलाकर कुल 20 लोग थे जो उस जॉब के लिए कम्पीट कर रहे थे। इन 6 महीनों में जो सबसे ज्यादा क्लाइंट बना था ये जॉब उसी को मिलने वाली थी। शुरू के 2 महीनों में क्रिस ने एक भी क्लाइंट नहीं बनाया था लेकिन जब 6 महीने पूरे हुए सब ये देख के हैरान हो गए कि क्रिस के सबसे ज्यादा क्लाइंट थे। क्रिस को अब ये जॉब मिल चुकी थी, वो स्टॉक ब्रोकर बन चुका था। क्रिस कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों में फिर एक बार आंसू थे लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। क्रिस ने अपनी मेहनत और लगन से ये हासिल किया था। क्रिस के ऑफिस में किसी ने उससे पूछा, क्या ये उतना ही आसान था जितना लोगों को लगता है? उसे बोला नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी उसने अपने लड़खड़ाते जवान में बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके बाद क्रिस ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा और आगे चल के उसने खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की। जी हाँ, ये रियल स्टोरी है मल्टी मिलियनर क्रिस गार्डनर की, जो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। इनकी लाइफ से प्रेरित होकर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें क्रिस गार्डनर का रोल विल स्मिथ ने निभाया है। ये एक ऐसी मूवी है जो आपको अपनी लाइफ में जरूर देखनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका आपने जवाब दे दिया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।